इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। इस मंदिर के आगे बने चार हाथी लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। मंदिर का गर्भगृह वर्तमान स्थान से कुछ पीछे की ओर यानी कि यज्ञशाला के स्थान पर बनेगा और काफी बड़ा बनेगा। शहर के प्रमुख एवं प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर के जीर्णोद्धार के अंतर्गत नवनिर्माण स्थल पर भूमि पूजन का आयोजन बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। आचार्य पंडित कल्याण दत्त शास्त्री के निर्देशन में भूमि पूजन समारोह मंत्रोच्चार और विधि विधान से हुआ। आज भूमि पूजन समारोह में मुख्य रूप से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, सांसद शंकर लालवानी एवं श्रीमती नीना विनोद अग्रवाल उपस्थित थे। मंदिर के न्यासी श्याम सिंघल ने बताया कि मंदिर के शिला पूजन का कार्यक्रम 7 फरवरी को सुबह 10 से 12 बजे के मुहूर्त में संपन्न होगा। आज भूमि पूजन समारोह के अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं मां अन्नपूर्णा के भक्त उपस्थित थे। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने अतिथियों सहित भक्तों को माता की चुनरी भेंट स्वरूप प्रदान की। देखिए, ये जो हमारा अन्नपूर्णा मंदिर पहले बना था और उस समय बना था तो पूरे देश में इसकी चर्चा थी, और जिस प्रकार का हम द्वार देखते हैं ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। लेकिन कुछ समय पहले ही त्र्यंबकेश्वर में यहीं के महाराज जी और यहीं के लोगों ने मिलकर और महाराष्ट्र के लोगों ने मिलकर त्र्यंबकेश्वर में भी अन्नपूर्णा मंदिर बनाया था और वो मंदिर भव्य बनाया। सबकी मंशा भी थी, सबके मन में भाव भी था कि जब त्र्यंबकेश्वर में इतना अच्छा मंदिर बन रहा है तो यहाँ पर भी एक ऐसा मंदिर होना चाहिए माता अन्नपूर्णा का, क्योंकि यहीं से वहाँ मंदिर बनाया और यहाँ बहुत पुराना मंदिर है। तो जीर्णोद्धार की बात है कि नया मंदिर मार्बल का बनाया जाए, वो सबकी इच्छा थी और उसी का आज भूमि पूजन है और सब लोग मिलकर जो आने वाले समय में जो मार्बल का मंदिर बनने जा रहा है, मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश का और देश का प्रमुख मंदिरों में एक कहलाएगा। और जिस प्रकार की परिकल्पना आर्किटेक्ट ने की है, हमने देखी है, कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सौगात है धार्मिक इंदौर और मध्य प्रदेश को। ऐसा नहीं है, माँ अन्नपूर्णा का ये पवित्र स्थान हम इंदौर और मालवा वासियों का आस्था का केंद्र है। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने हम लोगों को याद किया और उनके कार्य में सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कमलनाथ जी ने बहुत पहले घोषणा कर दी थी, सीता माता के मंदिर के लिए करोड़ों रुपया उन्होंने दिया है। महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार 300 करोड़ से हम लोग करा रहे हैं। 160 करोड़ के आसपास ओंकारेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार, ये हमारा सौभाग्य कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है। हम लोगों ने कभी धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति नहीं की, लेकिन धर्म आगे बढ़े, हर धर्म को एक विशेष दर्जा मिले, ये हमारी धर्म निरपेक्ष सरकार है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, ये उसका दायित्व है कि हर धर्म को समान सम्मान मिले और हर धर्म आगे बढ़े, इसलिए हमारी कोशिश होती है।